लक्ष्मी रहे मंजरी ठाकुर, यही तो वक्त है। कैसे हुई माँ की खींची हुई लकीर को लांगने की? और ये कुर्सी जिस पर आज तक हम क्या हमारे बाबूजी तक नहीं बैठे, तुम उस पर बैठ गई। आज तुमने हद पार की है, जिसकी सजा हम तुम्हें और तुम्हारे बाबा को देंगे। अरे तो रो ही रही थी ना, क्या हो गया ऐसा? सिर्फ रो नहीं रही थी, ये सोफे से गिरने वाली थी। वाह जीवा, तेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे घर में मेरी बच्ची को देखने वाला कोई नहीं है? हम सब कान में रुई लगाकर सोए हुए थे। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो माँ, कैसे पटर पटर झूठ बोल रही है ये। वो भी हमारी गुड़िया का नाम देखे, तेरे को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? राज चाचू, ये किसी की नहीं सुनती, एक नंबर की झूठी है ये। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। तुझे मना किया था ना ये लकीर पार करने से, मेरी जरा आंख क्या लग गई, तू सीधे आकर ठकुराइन जी की कुर्सी पर बैठ गई। काहे? अरे क्योंकि माँ की कुर्सी पर बैठकर माँ जैसी दिखना चाहती थी ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम तुम्हें और तुम्हारे बाबा को ऐसी सजा देंगे ना, ऐसी ढीठ और असभ्य लड़की को पालने की सजा, उसका दूसरा हाथ भी तोड़ काट। नहीं, अब मेरे बाबा को खुद मत करना। मुझसे गलती हो गई टुकड़े, मुझे माफ कर दो। गलती तो मुझसे हुई ना टुकड़े, तो सजा मेरे बाबा को कर। आपके पाप पड़ दूं, कुछ मत करना मेरे बाबा को। लेकिन बाबा को कुछ मत करना। नहीं दादी, आप इससे बहुत बड़ी सजा देना, ताकि ये गलती करने से पहले 100 बार सोचे। वंश बिल्कुल सही कह रहा है माँ, एक बार क्या हवेली के अंदर पैर रखने दिया, खुद को ठकुराई समझने लग गई है। लड़की का हमारे सामने हाथ जोड़कर रोना, ये हमें पसंद,
नहीं है। आप सच में कुछ नहीं करेंगे ना मेरे बाबा को? इस बार हम तुम्हें माफ कर देंगे। छोटी सी बच्ची हो, गलती हो गई, खुल जाए से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठुकराएं जी। धन्यवाद। गंगा भैया, डोरी को मालपुए बहुत पसंद है ना, मैंने खास उसके लिए बनाए हैं, इसे दे देना। अरे वाह भाभी, मालपुए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डोरी मालपुए देखेगी तो उसका चेहरा ही नहीं, उसका दिल भी खिल उठेगा। ये दे दो मुझे। और हाँ, आज शाम को ठकुराइन हम सबको साड़ी के ऑर्डर के पैसे देगी, तो शाम को आप सब लोग हवेली आ जाना, वहीं पैसे बांट लेंगे और फिर खूब धूमधाम से मनाएंगे दिवाली। ये दीप और सरसों का तेल। बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूं। अरे गंगा रोक। बंसी क्या हुआ? इस साड़ी कैलासी ठकुराइन ने दी थी पालिश के लिए, तू हवेली जा रहा है तो उन्हें दे देना, पर संभाल के, बहुत महंगी है, असली सोने के तार लगे हैं इसमें। बंसी तू फिक्र मत कर, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर ले जाऊंगा, चलता हूं। दादी, दादी, आपने स्टूपिड डोरी को डांटा क्यों नहीं? उसने आपकी कुर्सी पर बैठकर बहुत बड़ी गलती की थी। कैलाशी ये मत भूलो कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपनी साड़ियां बचाई, बहुत बड़ा एहसान है उनका हम पर। लल्ला, हमने उस पर गुस्सा इसलिए नहीं किया लल्ला, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा एहसान है हम पर, और कैलाशी ठकुराइन जबान रखती है एहसान नहीं। आज उसे माफ करके हमने वो एहसान उतार दिया है, लेकिन उसकी अगली गलती पे उसे बहुत बड़ी सजा दोगे आप उसे, है ना दादी? हाँ, उसे भी और उसके बाबा को भी। अब डोरी को दिवाली का सामान दिखाना है, पर उससे पहले ठकुराइन को उनकी साड़ी दे दूं, ये ठीक रहेगा। पर तो कोई नहीं है, इतनी महंगी साड़ी है, किसी को भी कैसे दे दूं? उनके हाथ में देना सही होगा। छोटे ठाकुर जी,
बंसी बुनकर ने ठाकुरायन जी की ये साड़ी भेजी है और मैं ये लकीर को पार नहीं कर सकता हूँ, क्या आप ठाकुरायन जी को दे देंगे? धन्यवाद। इतनी बड़ी गलती तुझसे हो कैसे सकती है? इतनी मुश्किल से इतनी बड़ी हवेली में रहने का मौका मिला था और तू अपनी गलती से मेरे और गंगा के सर के छत भी छीन रही थी। अरे तेरी वजह से हम और गंगा आज बेघर हो जाते हैं। हे भगवान, हे संकट मैया, मुझसे गलती हो गई नानी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। पापा कहते हैं ना, पिंजरा अगर सोने का भी हो तो भी वो पिंजरा ही होता है। ये हमारा घर तो नहीं है ना? ये मेरे घर तो नहीं है ना? पटर 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 पटर, खबरदार जो अपने बाप के सामने मुंह खोली तो कि तेरे साथ क्या हुआ है, नहीं तो एक मुसीबत और पड़ जाएगी हमारे बटवा के गले। डोरी, ए डोरी, डोरी देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूं। मैं नहीं, मतलब बस्ती वालों ने तेरे लिए क्या क्या दिया है। इतने सारे दिए? इतने सारे रंग? सत्तू की मम्मी ने तेरे लिए मालपुए दिए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना मालपुए? अरे वाह। अरे हाँ, एक और चीज है तेरे लिए। कौन सी? ये देख, तेरी ड्रेस। ये आपने बनाई है? हाँ, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाई। बहुत अच्छी है। आप क्या पहनोगे बाबा? मैं? गोविंद काका ने अपना कुर्ता दिया मुझे पहनने के लिए, ये पहनूंगा। अच्छा है ना? ये तो एकदम फीका है, बहुत पुराना भी लग रहा है। फीका है तो क्या हुआ, तेरा हाथ लगते ही प्यार का रंग चढ़ जाएगा इस पे। तो ठीक है, मैं इस पे प्यार का रंग चढ़ा देती हूँ। अरे वाह डोरी, तू तो बड़ी तेज है, कैसे तूने इतने सारे रंग भर दिए मेरी दिवाली में, बहुत सुंदर। आपको अच्छा लगा बाबा? बहुत अच्छा। ये चाट हमने हमारे लिए बनाई थी तो सोचा आप लोगों को भी खिलाती जाऊं। वो आज दिवाली है और दिवाली तो खुशियां बांटते हैं मनाई जाती। ठीक है। अरे अरे नानी थोड़ा सा रुक जाओ। रुक जा, हाथ धो क्या? नानी काहे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। काम दूजा नहीं, बाबा और डोरी करेंगे लक्ष्मी जी की पूजा, खा ले पहले। कह रहे हैं मम्मी, जी का जंजाल है बच्चों को पालना, और हमारे तो दो दो हैं, क्या बताएं, खूब रोते रहते हैं। एक को रोना चुप कराओ तो दूसरा रोने लगता है, और रोने से छुटकारा मिले तो लंगूट गीला कर देता है। बस ये समझो कि सारा दिन रोना धोना रोना धोना, हमारी तो किस्मत फूटी हो। कुछ बोलोगी तो समझेगा है? इतनी सुंदर साड़ी कमाल करती हो कोमल, मतलब हाँ? अभी तो फूक मारने के लिए कह रही थी, अभी ठीक हो गई तुम? रोज़ छोड़ो, ये हमारा नया दिवाली गिफ्ट है ना। अरे तुम्हारा गिफ्ट नहीं है, आप हमारी माँ की साड़ी है, गंगा बुनकर बस्ती से लाया था, पॉलिश करने के लिए दी थी। ये सब छोड़ो, तुम ठीक हो ना?
अरे का कर रहे हो यार तुम, ये छोड़ो इसे। अरे हमारी रानी यार, तुम मरवाओगी यार हमें। का कर रही हो, का कर रही हो तुम? अब ठीक हो और आ गई हो कभी? हाँ, ये माँ की साड़ी है और बहुत एक्सपेंसिव है, छोड़ो इसे। हस्बैंड जी सुनिए ना। क्या है? सुनिए तो, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा सुनते हैं हमारा रानी। हाँ। बस बोलो। देखो ये साड़ी जवानी को संवारने के लिए है ना, कि सासू माँ के बुढ़ापे को छुपाने के लिए। और देखिए ना, ये इतनी अच्छी साड़ी, रंगत स्टाइल वाली महंगी साड़ी, सासू माँ में कहाँ पहनने देंगे? बस दो ही तो फोटो निकालने दीजिए ना। अरे यार तुम क्या कर रही हो यार? तुम्हारे स्टाइल के चक्कर में माँ हमारी लाइफ स्टाइल खराब कर देगी यार। देखो कोमल, पता है ये साड़ी ट्रेंडिंग में है, दीपिका ने पहनी थी, वो भी पार्टी में। कौन सी दीपिका? वो चक्रम की गर्लफ्रेंड। कौन? अपना चक्रम? हाँ तो? नहीं, रणवीर सिंह वाली। और आप छोड़िए दीपिका शिपिका को, आप बस हम पर फोकस कीजिए। देखिए हम पे जच रही है ना। अब तुम जचोगी नहीं, तुम फटोगी यार। ये साड़ी नहीं, एटम बॉम्ब है, और ये एटम बॉम्ब हम माँ को देके आ रहे हैं। तुम माफ करो यार। अरे रुकिए, बस दो तीन वीडियो से फोटोज निकालते हैं ना बस। हस्बैंड जी बस निकाल दीजिए। अच्छा सुनो हमारी रानी, जो जो करना जल्दी करो यार प्लीज। मुझे तो बचा दीजिए, हम लोग साड़ी रेडी कर लेते हैं बस। हाँ बचा दी मुझे। अरे वीडियो तो निकालो। हाँ निकाल, वीडियो निकाल। क्या कर रहा? So beautiful, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. अरे फोटो थोड़ा और फोटो। हमारी तो लेके चलो। जल्दी से ये फ्रॉक पहन ले, फिर पूजा करते हैं। गंगा, हमारी साड़ी लेकर आया ना बुनकर बस्ती से, तूने इसका ख्याल क्यों नहीं रखा? ये साड़ी फट कैसे गई?